ये फैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, आज हम मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बताने वाली हूँ हलीम से रिलेटेड। सो हमें क्या लेनी है, मिक्स लैटेंस लेनी है, बाले लीव्स लेने हैं, और हमें यहाँ पे जो है वाटर उसके अंदर ऐड कर देना है, ताकि आपको पहले जो है लैटेंस जो है वो आपको अच्छे से बॉयल कर लेनी है। जब लैटेंस बॉयल हो जाए सो उसके बाद यहाँ पे आपको 2 टेबल स्पून जो है वो टर्मेरिक पाउडर ऐड कर देना है, और साथ साथ धनिया पाउडर। सो देख सकते हैं आप कि मैंने ऐड ऑन कर दिया है सारे स्पाइस, और साथ साथ मैं ऐड कर रही हूँ चिल्ली पाउडर, जो कि मैंने लिए हैं 4 टेबल स्पून के आसपास। उसके बाद मैं हली मसाला ऐड कर दिया है। यहाँ पे जो हमने बीफ है उसको अच्छे से श्रेड कर लेते हैं। श्रेड करने के बाद जो बीफ है उसको हम लैटेंस को बॉयल होने के बाद हम उसके अंदर मिक्स वेल कर रहे हैं। सो एज़ यू कैन सी गाइस, सो गाइस यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स वेल कर लिया है। हे फैम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज है संडे और अभी हम निकल रहे हैं दामन सारा, बिकॉज वहाँ पे है मजलिस। मैं रेडी हो चुकी हूँ एज यू कैन सी गाइस, और मैंने पहना है ये आउटफिट। सो लॉन्ग मैक्सी की तरह पहन लिया बिकॉज ताकि हम कवर हैं। रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं, बस ख़त्म कर रहे हैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है एज यू कैन सी। सो गाइज, मॉर्निंग में 1 कप ब्लैक कॉफ़ी इसलिए लेती हूँ बिकॉज मेरा एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट हो जाता है ब्लैक कॉफ़ी के बाद, और ये आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। स्टे ट्यून्ड। फिर गाइज, हम निकल गए हैं दामन सारा के लिए बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। वे हैं दामन सारा, पहुँच गए। अब हम यहाँ पे जो हम ऑर्डर लेकर आए हैं और जो सारी चीज़ें हैं हम उसको ट्रॉली के थ्रू लेकर जा रहे हैं अंदर तक। सो एज़ यू कैन सी कि हमने ट्रॉली ओपन कर ली है, और मैं भूल गई थी कि बैग भी एक चीज़ है, वो बैग लेना मैं भूल गई थी, बैग भी ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। सो गाइज, इसके बाद हम आ गए अंदर, अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर बिकॉज़ वहाँ यहाँ से हमारी एंट्री है एज़ यू कैन सी। सो जैसे हम अंदर आए तो हमें सर्व किया गया बहुत ही यम्मी सा शरबत, विच इज़ रियली गुड। सो ये रूह अफजल से बना हुआ था। और गाइज, यहाँ पे जो सर्विंग्स हैं ये हलीम के मेक ओवर की हैं। सो हमने यहाँ पे सबको डिश आउट कर लिया है, लेमन्स कट हो गए हैं, नान जो हमने इसलिए ऐसे रखी है बिकॉज हमें थोड़ा सा हलीम नज़र के लिए निकालना है। सो अभी हम वही कर रहे हैं एज यू कैन सी गाइज, यहाँ सर्विंग्स रेडी हैं। चलिए चलते हैं टेबल पर सेट करते सब वेट कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पे हम सब जो है मैनेजमेंट संभाल रहे थे, और बैक जो भी असेंबल करना था, जो भी सर्विंग्स थे सब देख रहे थे, साथ साथ स्पून सेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम वही कर रहे थे। और यहाँ पे जो मीठा है, जो स्वीट डिश है, उसमें है गुलाब जामुन एज यू कैन सी, और यूट्यूब पे भी। सो गाइज, शी इज़ आस्किंग हाउ मच फॉलोवर्स। Guys, please go and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram. Guys, इतना तो आप कर सकते हो यार, इतना तो deserve करते हैं हम, इतना ज़्यादा hard work करते हैं, इसका वो reward तो मिलना चाहिए ना हमको भी। So यार please, आप लोग छुप छुप के videos मत देखें, आप लोग जाके subscribe का भी बटन दबा दें। I think इतना enough है अभी, अगर ज़रूरत होगी तो ऑन है वो, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पे मैंने जो है ट्रे में कप्स को सेट कर लिया है, सबके लिए टी जो है मैं यहाँ पर सर्व कर रही हूँ। सो गाइज, जिस बात का डर था वही हो गया, टी पड़ गई कम। सो यहाँ मैं उनको बोल रही थी कि आप पहले टी बैग्स रिमूव कर दो, उसके बाद फिर आप दूसरी टी बना। यहाँ पे दादे 2 और लेकर आए 2 कप 3 इलायची दादे, दैट्स ऑल। उसको स्टोव पे रख देते, बस हो गया, पक जाए ताकि। हाँ बस 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 बस, हाँ ओ पर नीचे कट करके हो गया। आपने खाना खाया? जी। वेरी गुड गर्ल, क्या खाया? नान, नान और हलीम। हलीम कैसे लगा आपको? अच्छा, अच्छा लगा। अच्छा। गाइज, उसके बाद फिर किड्स के साथ हम निकल गए बाहर। हेलो किड्स, सीधा सीधा चलें, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। ओए
guys, on the pathway. Walk on the path, Maham. सो गाइज यहाँ पे हम किड्स को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता. हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं. सो किड्स ने कहा कि हम आपको एक्सप्लोर कराते हैं. तो चलिए अभी जा रहे पार्क. मैं आपको यही बता रही थी बहुत टाइम हो गया हमने इस तरीके से व्लॉग नहीं किया. मैं ड्यू टू मुहर्रम की वजह से थोड़ा सा हो गया था क्योंकि बहुत पहले 10 days बहुत हेक्टिक थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि वीकली डेज में मैं स्कूल में बिजी होती हूँ. Where are the kids? Hello. Oh my God, we are lost. Welcome back to my channel. Hope you all enjoyed it. अंदर से मेरा बाहर आ रहा है ब्लॉगर अंदर से बाहर आ रहा है अभी कैमरे को देख देख के मुझे कुछ होता है. सेम ही है. चलो भाई किड्स मिल गए हमको वो रहे. सो गाइस ये हैं यहाँ के स्टोरी हाउसेस एज यू कैन सी और हम हो गए यहाँ पे लॉस्ट. लेट्स सी हम क्या पता नहीं हम लोग बातों में लगे तो किड्स आगे निकल गए हम पीछे छूट गए. सो फाइनली हमको किड्स मिल गए हैं. चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी वो रहे किड्स. इतना दूर घर का आज हमारा पार्क हम. सो गाइस फाइनली हम जो है पहुंच गए हैं अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे. आई मीन सीरियसली गाइस ये बहुत ही दूर था. मतलब उनका घर आउटसाइड था बहुत ही ज़्यादा और पार्क जो था वो बहुत ही अंदर की साइड था. तो हमें लगा कि कुछ आसपास होगा तो हम चलते हैं एक्सप्लोर कर लेते हैं. और घर पे भी यही बोला था मम्मा वगैरह को कि हम बस यहीं जा रहे हैं थोड़ा करीब में. बट हमें नहीं आइडिया था. सो सॉरी मम्मा अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो तो सॉरी वंस अगेन बिकॉज हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम इतनी दूर आ गए. और मैं भी गाइस प्लीज केयरफुल ओके. Oh, you have only 10 minutes, then we go back. No. Yes. No. Everyone is waiting. Am I right, Fizz? No. Oh my God, so dirty, yeah. Sit here. The way I'm sitting. The way I'm sitting, that's all I can say. Hello. Kiddos, you have only 10 minutes. Now your timer starts now. Okay? Oh my God, Ridhaba is calling. Wait. सो गाइज नाउ वी आर गोइंग बैक बिकॉज यहाँ पे जो है किड्स का मूड ख़राब हो रहा था. उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था वापस जाने का. सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे लेकिन जब कॉल आई तो फिर हमें जाना पड़ा. सो चलिए चलते हैं लेट्स गो. टेक ऑन योर साइड. आपने कम अलीजा अलीजा होल्ड माई हैंड माहीन होल्ड फिज़ाज़ हैंड Maham. Oh wow. Oh wow. Let's go back. Guys, अब हम करते हैं व्लॉग को यहीं पर ही एंड. आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज डू लाइक कॉमेंट एंड शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए चेकआउट कीजिए और जल्दी से हमें फॉलो कीजिए. आई लव यू गाइज. टाटा. ओके तो अभी हम निकल रहे हैं. हमारे से एक सीन हुआ है वो आपको पता चल गया होगा. हुआ ये है कि हम वापस जा रहे हैं बिकॉज मॉम की कॉल आ गई एंड दे से प्लीज़ कम बैक. तो हम आ रहे हैं. उनको लग रहा था हम आस पास ही है तो हम जा रहे हैं अब जल्दी जल्दी. ओके सो बाय.